हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है जियो एप 320 बी। ये पानी में गिर गया था और ये फ़ोन वॉन नहीं हो रहा है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले इस मोबाइल को पूरे खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। क्लीन क्या करेंगे कि आपके पास जो भी थिनर या पेट्रोल हो उससे सबसे पहले इसको पूरी तरह से वॉश कर दीजिए। देखिए हम अभी ये देखिए, हम हमारे पास थिनर है और हम थिनर से पूरी तरीक़ा से पहले वॉश कर देते हैं। उसके बाद हम ब्रश से इसको साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद हम वाटर गन लेंगे, SMD जिसको बोलते हैं। ये देखिए डिस्प्ले के पीछे भी पानी आ गया था। हम इस पर भी थिनर मार के क्लीन कर लिए हैं। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डिस्प्ले के पत्ते पे, नहीं तो वहाँ शॉर्ट हो जाता है। SMD से आप पूरी तरीक़ा से इसको, ज़्यादा हिट भी नहीं करना है, उतना हिट करना है जितना पानी पूरा सूख जाए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसको सूखने के बाद हम इस फ़ोन को ऑन करेंगे। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है, सबसे पहले आपको बैटरी नहीं लगाना है। बैटरी लगाइएगा तो मोबाइल शॉर्ट हो जाने का पूरा चांस रहता है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको पूरी तरीक़ा से सुखा दिया है और अब हम इसको चेक करने वाले, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद ये सब पहले हम लगा लेते हैं। ये हमारा सूख चुका है फोन। इसको अच्छे तरीक़ा से लगा देना है। ये देखिए हमने लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करके ट्राई करेंगे। सॉरी, हमने गलत बटन पे हाथ रख दिया है। तो ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ऐसे ही अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि नए नए वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा।